हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आगे मैं और न्यू वीडियो के साथ वापिस। तो गाइस मैं फिर से बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। कमेंट में भाई आपकी इतनी भर भर के गालियां आ रही थी, मैं आपको क्या ही बताऊं भाई। इतनी गालियां देखने के बाद मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। पहले तो भाई मैं क्लास कोड में डालने वाला था वीडियो कि टॉप 100 में मैं जाके उसके बाद एक वीडियो डाल दूंगा, ये सोच के मैं चल रहा था। लेकिन भाई मैंने जैसे ही क्लास कोड में हीरोइक के 10 स्टार क्रॉस किए भाई, उसमें इतने ज़्यादा हैकर आने स्टार्ट हो गए। मतलब मेरी ना जो मैच मेकिंग थी वो हो रही थी जो टॉप के जो टॉप 100 के बंदे हैं ना क्लैश स्क्वाड में, इनके साथ। और इनके साथ भाई हर एक बंदे के साथ हैकर था यार। मतलब एक मैच में खेलता था, एक सिंपल जाता था, उसके बाद भाई थोड़े से प्रो भी आ जाते थे दूसरे मैच में, लेकिन दो मैच खेलने के बाद भाई कन्फर्म तीसरे मैच में हैकर आ ही जाता था भाई। यार इतनी दिक्कत हो रही थी कि पुशिंग करने में मैं आपको क्या बताऊं। अभी मेरे को 1.5 दिन हो चुका था भाई रैंक पुशिंग छोड़े हुए, जे मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1.5 दिन हो चुका है मेरे को रैंक पुशिंग छोड़े हुए, लेकिन अभी भी भाई मेरे पास 40 स्टार थे और मैं 32 स्टार ही पीछे था उनसे। मैं अगर पुश करता रहता तो भाई टॉप 100 में आराम से आ जाता भाई, लेकिन हैकर मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो मैं क्लैश स्क्वाड छोड़ के अभी आ चुका था सिंपल रैंक में, और सिंपल रैंक में भाई मेरे 3200 स्कोर हैं और इस पे भाई मैं स्टार ही लगाऊंगा यार, क्योंकि इसमें हैकर तो नहीं आते कम से कम सोलो में। अब भाई हीरोइक स्टार तो सभी लोग लगाते हैं, लेकिन अपन कुछ करने वाले यूनिक। यूनिक क्या भाई, मैं सिर्फ पुशिंग करूंगा पिस्टल से। जे मेरे दिमाग में आया था खुद का चैलेंज भाई, और मैंने खुद को ही चैलेंज दिया कि मैं पिस्टल से पुशिंग करूंगा। अगर आपके दिमाग में कोई चैलेंज आ रहा है ऐसा कोई खतरनाक सा, तो वो कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट भी दूंगा और आपका चैलेंज भी पूरा करूंगा। फिलहाल के लिए भाई मैं करेक्टर स्किल चेंज कर लिया, आलोक को हटा के वुकोंग लगा लिया, क्योंकि अपडेट के बाद कुछ ज्यादा ही ओपी हो चुका है वुकोंग। और भाई मैंने कैली भी लगा ली मैक्सिम को हटा के, और उसके बाद भाई पेट में मिस्टर वेगर लेके जाने वाला हूं, क्योंकि मेरे को भाई बढ़िया लगता है मिस्टर वेगर। लेकिन भाई मेरे को रॉकी देखने में अच्छा लगता है, एबिलिटी मिस्टर वेगर की अच्छी लगती है। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए अब मैच में चलते हैं यार। तो गाइस मार्स इलेक्ट्रिक की ओर से प्लेन निकल चुका था और मैं जाने वाला था भाई केप टाउन में। केप टाउन में क्यों, केप टाउन में भाई बिल्कुल नहीं बंदे आते, मतलब एक भी बंदा वहां पे नहीं जाता। गलती से कोई चला जाता है, लेकिन बंदे वहां पर भाई बिल्कुल ही कम आते हैं। वहां ऐसा नहीं है कि लूट नहीं मिलती, लूट भी मिलती है, लेकिन बंदे जाना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि वहां के घर भाई कुछ ऐसे ही हैं, वहां पे स्ट्रेटजी वगैरह कोई बनाता नहीं है और कुछ भी, मतलब फाइट भी अच्छी नहीं होती वहां पे, तो वहां पे कोई जाता ही नहीं। तो भाई वहां तक तो मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन रस्ते में मेरी पैराशूट खुल गई और मैं रस्ते से लूट करके आगे बढ़ना स्टार्ट करूंगा। और भाई बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना, मैं गन नहीं कोई उठा सकता, मतलब पिस्टल के बिना और कोई गन नहीं उठा सकता, लेकिन वेस्ट और हेलमेट वगैरह मेरे को जरूर चाहिए, क्योंकि अगर मैं वेस्ट और हेलमेट नहीं पहनूंगा तो भाई फाइट तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे को डैमेज बहुत पड़ने वाली है और मैं सामने एनिमी को बहुत ज्यादा कम डैमेज करूंगा, क्योंकि पिस्टल डैमेज करती ही नहीं है भाई बंदे को। तो भाई मैंने वहां पे लूट करने के बाद रस्ते में मेरे को ये छोटी शॉटगन मिल गई थी, जिसको दो नली के साथ कंपेयर करा जा सकता है, लेकिन अगर शॉर्ट रेंज में चलाओ तो भाई मैं जे ही रखने वाला था, क्योंकि अगर बंदा बिल्कुल पास में आएगा तो G18 और USP वगैरह M500 वगैरह कोई काम नहीं आएगी, यही आएगी। तो मैंने जहां से लूट करने के बाद भाई मैं केप टाउन पहुंच चुका था, और भाई मेरी जहां से जंप करने के बाद थोड़ी सी हेल्थ कम हो गई थी, तो सबसे पहले मैंने मेडकिट लगाई, और मेरे पास भाई कुछ ज्यादा ही वेंडिंग मशीन के टोकन थे, तो मैं सबसे पहले भाग के वेंडिंग मशीन की ओर जाऊंगा और ग्लू वॉल ले लूंगा भाई, क्योंकि ग्लू वॉल बहुत जल्दी परचेस हो जाती है और खत्म भी हो जाती है। तो भाई मेरे पास 6 टोकन थे और सबसे पहले मैं जाके वहां पे ग्लू वॉल लेने वाला था। अब इस टाइम पे भाई मेरे अलावा टोटल 36 बंदे अलाइव थे और मेरे पास 4 ग्लू वॉल थी भाई। 4 ग्लू वॉल के बिना मेरे पास लेवल 3 का बेस्ट भी था और लेवल 3 का हेलमेट भी था, मतलब मेरे को डैमेज तो थोड़ी कम पड़ेगी और भाग भी सकता था अगर मेरे को कोई फायर कर रहा है। और मेरे पास भाई वाइंडिंग मशीन के टोकन थे, तो उसके बाद मैंने पूरी की पूरी ग्लू वॉल परचेज कर ली, और उसके बाद पूरा केप टाउन लूट डाला, जहां से मेरे को एक ग्लू वॉल और 2-3 नेड मिले, और नेड के बाद भाई मेरे को वाइंडिंग मशीन के टोकन बहुत ज्यादा मिले थे, जिसके बाद भाई मैंने भर भर के नेड परचेज किए, क्योंकि मेरे को लास्ट में इनकी जरूरत पड़ेगी। मैं नेड से ही बंदे को मारूंगा भाई, क्योंकि मेरे पास पिस्टल तो है और पिस्टल इतनी दूर वार नहीं करती, मतलब इतनी दूर मारती नहीं है। तो भाई अभी मैं जोन से बाहर आ चुका था और मैंने एक इनहेलर जूस किया अपने को हील करने के लिए। भाई आलोक तो अभी छोड़ ही दो, वुकोंग वगैरह जूस करो जिसके पास है, और नहीं तो भाई सभी करैक्टर इतने ज्यादा खतरनाक कर दिए ग्रेना ने, ये करैक्टर वाला अपडेट ही था। और भाई मैं लेफ्ट साइड को जाने वाला था कोटा टुआ में, तो मेरे को लेफ्ट में एक बंदा दिखा, तो मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज करके राइट को घुमा दिया। तो भाई अभी मैं सामने वाले घर में जाके बैठूंगा, क्योंकि वो वाला घर थोड़ा सा जोन में था और वहां पे बैठ के थोड़े टाइम सर्वाइव करेंगे। और मेरे अलावा भाई इस टाइम पे टोटल 24 बंदे अलाइव थे, मतलब इतनी जल्दी बंदे मर गए। आप घूमते रहो मैच में भाई, आपके कुछ नहीं करना, बस आप घूम के थोड़ा सा सर्वाइव करो, लास्ट में जाके बंदे को डैमेज करके मार दो, अगर मरता है ठीक, नहीं तो प्लस तो आपके कंफर्म हो जाएंगे। सोलो में बहुत बेस्ट रहता है भाई, क्योंकि हैकर भी बहुत ज्यादा कमाते हैं। और जहां पे भाई मैं बैठने वाला था और अभी जोन आ भी रहा था, मेरे को पता था कि मेरे को भाई 100 सेकंड तो आराम से मिल जाएंगे, तो तुम्हारे भाई ने जहां से ग्लू वॉल निकाल के रख दी थी और एक ग्लू वॉल और बना ली, हमारे को एक एडवांटेज और मिल गई।
थी, मतलब एक ग्लू वॉल और बन चुकी थी। और जहाँ के बाद भाई मैंने एक जहाँ मशरूम खाए और सीधा पीक की ओर निकल लिया, और पीक में मैंने पहले ही पैनल बना रखा था कि मैं सामने वाले घर पर जाऊँगा, लेकिन भाई सामने वाले घर पर जाते जाते मेरे को लगा कि अब डबल डोर में ही बैठ जाते हैं, इतनी दूर क्यों जाऊँ भाई मैं, तो जहाँ पर आके मैंने बैठ के सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया। मैं ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि ऊपर बंदा हो सकता था, वो मेरे को किल कर सकता था, तो तुम्हारे भाई ने यहीं पर बैठ के टाइम का वेट किया, मतलब जोन आने का वेट किया। तो काफ़ी टाइम बैठने के बाद जहाँ पे जोन आ चुका था और जोन चलने भी वाला था, तो सबसे पहले मैं भाई ऊपर वाले को चेक करने जाने वाला था, तो भाई मैं बैठ के ऊपर जा रहा था ताकि मेरे को अगर मैं भागूं वो पीछे से मैं ना मारे। तो जहाँ पे आके मैंने चेक किया तो जहाँ पे भाई बंदा नहीं था, तो भाई अभी हम निश्चिंत तो होके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अभी एल शेप के जो राइट साइड वाला घर था वो आधा जोन में था और आधा जोन के बाहर था। अभी वहाँ पे जाने के लिए रिस्क था भाई, अभी मेरे पास कवर भी वही था और रिस्क भी था, क्योंकि वहाँ पे भाई और भी बंदा हो सकता था मेरे जैसा दिमाग लगा के बैठ सकता था। अब इस टाइम पे भाई कुछ बंदे कमेंट करेंगे कि आप रिस्क भी गलत बोल रहे हो भाई, मैं जूस को जूस बोलता हूँ, पता नहीं क्या बोलते हैं यार मेरे को नहीं पता भाई, लेकिन कमेंट में बहुत ज़्यादा बंदे हंसते हैं कि आप जूस को गलत बोलते हो, लेकिन भाई काम चला लो यार, आपको समझ तो आता है ना, तो इसलिए भाई रिस्क को लेके मत बैठ जाना कि आप रिस्क भी गलत बोल रहे हो। तो भाई फिलहाल के लिए मैंने लैंडमाइन वगैरह चेक की और सामने एक लूट बॉक्स पड़ा था और मेरे को पक्का कन्फर्म लग रहा था कि सामने बंदा होगा, लेकिन मैंने रिस्क लेके आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास वूकोंग था, अगर वो फायर करेगा तो मैं वूकोंग बन जाऊंगा, उसके बाद उसको मार दूंगा, ये सोच के मैं आगे बढ़ा था, लेकिन भगवान की दया से भाई जहाँ पे बंदा ही नहीं था तो तुम्हारा भाई आगे आके बैठ गया, और जहाँ पे भाई मेरे को कोई नहीं देख सकता था मैं ऐसी जगह पे आके बैठा था। और थोड़ी देर बाद भाई जब मेरे को 5-10 सेकंड हुए तो मेरे को किसी के पैरों की आवाज़ आई, भाई जोन से एक बंदा भागा हुआ आ रहा था, बंदा नहीं बंदी भागी हुई आ रही थी, तो भाई तुम्हारे भाई ने बैठे बैठे आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि हम जहाँ पे हैं, तो एकदम से उसे धप्पा कर देंगे, मतलब एकदम से उड़ा देंगे भाई। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि भाई मेरे पास तो पिस्टल है, हमें तो बिल्कुल शॉर्ट रेंज में जाना पड़ेगा, तो भाई हमारे मरने के चांस ज़्यादा थे, मतलब 80% मरने के चांस हमारे थे अगर हम फाइट लेते हैं। तो तुम्हारे भाई ने भाई सोचा कुछ, भाई वो ध्यान दे रही थी सामने, क्योंकि ध्यान एक वहाँ पे बंदा था उस पे दे रही थी, तो तुम्हारे भाई ने क्या किया, नेड किया और उसको थोड़ा सा एक्सपोज करके वहीं पर रोक दिया और वहीं पर इसको किल कर दिया, क्योंकि वो मेरे पे फायर करने लगी, अगर नहीं फायर करती तो भाई वो मेरे पे रश करती सीधा, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को दिखा दिया। अभी मैं हील कर ही रहा था भाई, अभी मैं कैंसिल करने वाला था वो कॉन को, लेकिन तभी जहाँ पे एक बंदा आ गया तो मैंने कैंसिल ना करते हुए इस बंदे के दो शॉट मारे, दो के बाद एक तीसरा मारा था भाई, चौथा मिस गया, लेकिन उसके बाद सिंपल से फिर रोड करके मैं इसको एक मार के मार दिया। भाई साहब इस टाइम पे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मैं मेडकिट भी नहीं लगा पा रहा था, आप देखना अभी मैं कभी ग्लू वॉल सेलेक्ट कर रहा था कभी कुछ हो रहा था और मेरे से मेडकिट भी नहीं लग रही थी भाई। फिलहाल के लिए भाई तुम्हारे भाई ने दो बंदे उड़ा दिए थे, वो भी पिस्टल से एक और एक नेड से। तो भाई अभी मेरे अलावा टोटल 6 बंदे और बच रहे थे और हमारे 2 किले हो चुके थे भाई, हम टॉप में आ चुके थे और हमारे प्लस होने कन्फर्म थे। और जहाँ पे भाई अभी मैं आके लूट कर ही रहा था कि तभी मेरे को पैरों की आवाज़ फिर से एक बंदे की आई। अब इस टाइम पे भाई मैं ये सोच के हैरान था कि जोन से बाहर से ये बंदे आ कहाँ से रहे हैं भाई, और एक बंदा जो सामने था उसने मेरे को देख लिया और सामने वाले जाके पेड़ पे रुकने वाला था मेरे को मारने के लिए, तो हमारे भाई ने भाई नेड कुक करके कैसा मारा जो जाके उसके फेस पे फटा भाई, ये बंदा कुत्ते की मौत मरा, इसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसे मरने वाला हूँ। तो इसको किल करने के बाद तुम्हारे भाई ने एक इनहालर यूज़ किया और सबसे पहले जोन की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। और इस टाइम पे भाई मेरे अलावा टोटल 4 बंदे बच रहे थे और मेरी हेल्थ भी डाउन थी और मेरे को कन्फर्म पता भी नहीं था बंदे कहाँ कहाँ पे होंगे और मैं भागते भागते मर भी जाऊँ, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था। तुम्हारे भाई ने जहाँ पे आके सबसे पहले कवर लिया और जहाँ पे मेडकिट लगाना स्टार्ट कर दी, और अभी मेरा बेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था दो के साथ लड़ने के बाद तीसरे के साथ नहीं, और एक ने ऊपर भाई यूएवी छोड़ दिया था। अभी मैं यूएवी को भी गलत बोलता हूँ, ये भी बहुत होता है भाई कमेंट में, तो ये भी काम चला लेना यार, हंसना मत भाई प्लीज़। और इसके बाद भाई मैंने लेफ्ट साइड में देखा तो एक पेड़ पे बंदा बैठा था, अगर मेरे पास लॉन्ग रेंज गन होती तो इसे मैं उड़ा देता, लेकिन भाई उसके पीछे एक और था, मेरे को लगा भाई जहाँ पे कन्फ्यूज़ हुआ मैं, मेरे को लगा कि जहाँ पे उन दोनों का टीम अप हो रखा है। भाई साहब मैंने नेड कुक किया और जहाँ पे मैं एक नेड मारने वाला हूँ, अभी देखना मैं किस गलती से मरूंगा। पहले मैंने नेड किया और भाई जहाँ पे मैं ग्लू वॉल लगाने वाला था, मैंने तो अपनी ओर से तो ग्लू वॉल लगाई थी, लेकिन जहाँ पे लग गए भाई बॉनफायर, नेड के बाद भाई बॉनफायर हाथ में आ गई और उसके बाद जहाँ पे मैं किल हो गया उसके 2 शॉट मेरे को लगे। अगर भाई ग्लू वॉल पहले लग जाती थी उसके 2 शॉट मेरी ग्लू वॉल पहले लगते और उसके बाद मैं 2 शॉट मारता। जहाँ पे भाई इतनी ज़्यादा गंदे तरीके से कन्फ्यूज हुआ मैं, क्या ही बताऊँ आपको। तो चलो गाइस कोई नहीं, हम टॉप 4 में आए भाई, इसके बाद भी मतलब 3 किल के साथ टॉप 4 में आए और मेरे को 24 प्लस मिले, हमें तो बस हीरो पे स्टार लगाने से मतलब है, भूया तो भाई हम ट्राई करते ही रहेंगे। तो गाइस ये था हमारा पिस्टल ओनली चैलेंज, अगर आपके दिमाग में कोई खतरनाक सा चैलेंज आ रहा है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, मैं नेक्स्ट में उसमें वीडियो भी बनाऊंगा और आपको शाउट आउट भी दूंगा। तो चलो गाइस आशा करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आएगी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।